नमस्कार दोस्तों, ढोकले में गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें। इससे ढोकला स्पंजी बनता है। करेलों का कड़वाहट दूर करने के लिए उन्हें खुरच कर सिरके में नमक व हल्दी का घोल लगा दें। 1 घंटे बाद अच्छी तरह धो लें, कड़वापन दूर हो जाएगा। धनिया पुदीने की चटनी बनाते समय उसमें पानी की जगह बर्फ के क्यूब्स डालें कर पीसें। चटनी कई दिनों तक हरी बनी रहेगी। फुलफुले स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए उन्हें बनाने से धो लीजिए, फ्रिज में रख दे, फिर अच्छे से फूलेंगे। मलाई कोफ्ता या दूसरे प्रकार के कोफ्ते बहुत मुलायम हो तो बनाकर 1 घंटा फ्रिज में रखें और फिर तैयार ग्रेवी में सर्व कर डालें। कोफ्ते बिखरेंगे नहीं। सलगम की सब्जी बनानी हो तो पहले सलगम के टुकड़ों को थोड़े से तेल में सौत कर लें, साथ ही पालक के 2-3 पत्ते भी डाल दें। सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। शाही पनीर, खसखसी, आलू आदि बनाने में खसखस का प्रयोग होता है, मगर उसे हर समय पीसना आसान नहीं रहता, अतः खसखस को हल्का रोस्ट करें। साथ ही चारों मगज और काजू टुकड़ा को मिक्स करके मिक्सी में पीस कर रख लें। सब्जी बनाने के 1-2 घंटा पहले चाहें तो गुनगुने पानी में भिगो दें। धन्यवाद।